मेरा ख्याल है कि हमारी जो टेक्निकल मसाइल हैं वो दुरुस्त हो रहे हैं। 3:03 हो चुके हैं और हमें आज का जो वेबिनार है उसकी तरफ बाकायदा मूव होना चाहिए। सो मैं तमाम दही रहनुमा खवातीन को पौधा पाकिस्तान की तरफ से नाहिदा अबासी, आज का जो हफ्तावार वेबिनार है जो हर बुध को हम करते हैं उसके अंदर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज जो दूसरा हमारा वेबिनार है, पिछले हफ्ते भी हमने बात की जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उसके अंदर खवातीन के जो तहफ्फुज़ के मसाइल हैं और बच्चों के तहफ्फुज़ के मसाइल क्या हैं। पिछले हफ्ते के वेबिनार के अंदर हमने खवातीन के मसाइल को काफी तफसील से देखा और फिर बच्चों की, चूंकि काफी ज्यादा शेयरिंग आ रही थी पूरे पाकिस्तान से हमारी दही रहनुमा खवातीन, खासतौर पे जो सिंध से और बलूचिस्तान से, पंजाब से जो डायरेक्ट जाके सैलाब से मुतासर इलाकों में काम कर रही थी, उन्होंने काफी ज्यादा अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर किए और बताया कि क्या मसाइल है। लेकिन जो बच्चे थे उनको हम नहीं उस तरह से बातचीत कर पाए कि बच्चों के क्या मसाइल हैं। तो आज का जो वेबिनार है वो खास तौर पे हम ये देखना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालिया सैलाब से बहुत ज्यादा हमारे इलाके मुतासर हुए हैं, वहां पे बच्चों और बच्चियों के जो अहम मसाइल हैं वो क्या मुशाहदे में आए हैं और उनके लिए आप सब लोगों की तजावीज क्या होंगी कि उसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके, क्योंकि अभी तो रेस्क्यू से सिचुएशन निकल रही है, आगे उनको तहफ़ फ्राहम करना है, उनकी रिहेबिलिटेशन की तरफ आगे मूव होना है। तो आज का जो है वेबिनार है इसमें हम खास तौर पे बच्चों और बच्चियों के मसाइल को देखेंगे। और आज के वेबिनार में हमारी स्पीकर है अली बेगम खान साहिबा, जो कि जिनका तल्लुक कोरम एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा से है, और मैं देखना चाह रही हूँ कि अभी तक क्या हमारे साथ है वाचक, हमें कामयाबी हुई है उनको लेने में, क्योंकि उनका माइक नहीं हमें नजर आ रहा था। अच्छा, मैं ट्राई कर रहा हूँ उनके साथ, वो कर रही है। अभी यानी नहीं हुआ तो उनको एक बार कह लो मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा शायद शामिल हो जाए। अली बेगम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आपका जो वीडियो वाला पोर्शन है वो तो हमें नजर आ रहा है। अली बेगम जो है उनका काफी वास्ट एक्सपीरियंस है हुकूमती इदारों के अंदर रह के काम करने का, और जैसा कि इनका टाइटल जो है वो आपको बता रहा है कि उन्होंने वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और आथर हैं एक किताब की भी। और अगर मैं इनके तारफ में थोड़ा सा, जो मुझे इनसे मुलाकात हुई है और जो जानने का मौका मिला है वो ये कि इनका तल्लुक करमान से है, जिला कुरम से, और ये 2009 में गवर्नमेंट की जो जॉब थी उससे ये रिटायर हुई है। और इनका जो अहम शौक है वो किताब कुतुबीनी है और लिखना है, और पिछले साल इन्होंने एक किताब भी लिखी, एक नावल लिखा है जो कि डेड मैंस प्रिजनर है। और आज जो है वो मुझे ये था कि हम सभी काम कर रहे हैं और एक ऐसी दही रहनुमा खातून हमें मिली है जो कि इस वक्त माशाल्लाह से काफी ज्यादा हुकूमती इदारों में रह के मुख्तलिफ जगहों पे अपनी खिदमात सारे अंजाम दे चुकी हैं। तो हम इनसे भी समझें कि एक एक खातून की हैसियत से उनका सफर कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या सीखा, हुकूमती इदारों में कैसे काम किया, और उनका जब हुकूमती इदारे में थी तो किस तरह के अहम इकदाम उन्होंने किए जिसमें खवातीन और बच्चे जो है वो उनकी सोच का या हर तरक्की के काम में उनका महवर रहे। तो आज के वेबिनार में हम इनसे सुनते हैं, मिस अली बेगम से, कि वो हमें अपने तजर्बात से रोशनास कराएं। तो मुझे सिर्फ ये जानना है अली बेगम, क्या आप हैं हमारे साथ या मैं अगले पोर्शन की तरफ तब तक चलती हूँ? तमाम बहनें जो इस वक्त इस मीटिंग में हैं उन सबको पौधा की तरफ से खुश आमदेद। सोरमी है हमारे साथ सिंध से, आबदा अली बेगम है, उनका मेरे ख्याल में माइक का इश्यू अभी तक नहीं होश वो ऑन नहीं हो पाया। बुशरा है हमारे साथ है एजे के से, फायजा इशफाक है, और
समीना नजीर साहिबा हैं हमारे साथ, रहीमा हैं, उम्मे कलसूम सयाल हैं पंजाब से, मैं अकबर साहिबा हैं, मैं विश मजीद, आज बड़े दिनों के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया, मैं विश मजीद खुश आमदेद आपको, बहुत खुशी हो रही है, काफी लंबे अरसे के बाद हमने आज की मीटिंग में आपको देख रहे हैं कि आप हमारे साथ शामिल हैं, उम्मीद करते हैं हम कि आप खैरियत से होंगी। ख्वाजा जायद नसीम साहब हैं और बहुत सारे हमारे और मेम्बरान भी हैं, फाखरा अरशद हैं, गुलनाज हैं, जेलम से हमजा हैं हमारे साथ। फाखरा अरशद कहाँ से हैं, उनका चूंकि आगे डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ तो मैं नहीं कह सकती। शमीम इरम है हमारे साथ लिया से, फरजाना अशरफ हैं हमारे साथ रूरल फार्मर यूनाइटेड की प्रेसिडेंट चकवाल से, बुशरा का मैं जिक्र कर चुकी है, बीनिश आसिया आसिफ है हमारे साथ बलूचिस्तान से है, आप हमारे साथ आसिया, या अमरीन सैफ जमाली है फ्रॉम जैकमाबाद बलूचिस्तान से, और अली रफाकत है चकवाल से। आप सबको आज का जो वेबिनार है इसमें खुश आमदेद। तलत जाहिद सियालकोट से भी है हमारे साथ, आपको मैडम खुश आमदेद। मैं चाहती हूँ जब तक हमारे साथ आती है अली बेगम तब तक हम आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो हमारी इस मीटिंग की शुरका है, आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से कि मेजर इश्यूज ऑफ बॉयज और गर्ल्स इन फ्लड कंडीशंस एंड में इनके मसाइल क्या है और उसमें आप लोगों की तजावीज क्या है, तो मैं चाहूंगी कि अगर तमाम सूबों से हमारी एक एक बहन हैंड रेज करके अगर मुझे ये समझ आ जाए कि सबसे पहले कौन बात करना चाह रहा है, तो आप इस वक्त जो डायरेक्ट है सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों की मदद करते हैं, तो आपके मुशाहदे में कौन कौन से ऐसे मसाइल आए हैं जो कि लड़कों और लड़कियों को बच्चों को दरपेश है और उनके लिए क्या आप तजावीज देती हैं, तब तक अगर हम उस पर बात कर लें जब तक हमारे साथ अली बेगम शामिल होती हैं, तो सबसे पहले कौन बात करना चाहेगा, सिंध से और बलूचिस्तान से पंजाब से हमारे साथ काफी लोग हैं। जी सोरमी सिंह से है आपदा जी, आपदा बात कीजिए, आपदा आप बताएंगी हमें कि क्या है हालात आपकी तरफ, आपके मुशाहदे में क्या आए हैं बच्चों और बच्चियों के हवाले से खासतौर पे। हेलो अली बेगम, आप क्या हमें सुन पा रही हैं या आप बात कर सक रही हैं अभी? आपदा आप बात कीजिए प्लीज। अमरीन सैफ जवाली हैं हमारे साथ जैकबाबाद से, आप कुछ हमें तजर्बात बताएंगी कि इस वक्त क्या हालात हैं फ्लड के दौरान, बच्चों और बच्चियों को क्या मसाइल दरपेश हैं जो आपके मुशाहदे में आए हों। खुश आमदेद शीरी अख्तर घांचे से, आप हमारे साथ हैं। फाखरा अरशद लिया से खुश आमदेद आज की मीटिंग में आपको भी।
जी उम्मे कुलसुम से याद, अगर और कहीं से बात नहीं आ रही तो आप जरा बता दें कि आप जो गई हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज में, तो क्या मसाइल आपके मुशाहिदे में आए, खास तौर पे बच्चों और बच्चियों के हवाले से? मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू फरजाना। उम्मे कुलसुम सयाल आप हैं हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ से? आप राजनपुर और दूसरे जिला में लास्ट वीक में गई ही थी, तो हम आपसे सुनना जी चाहेंगे कि क्या आपके मुशाहिदे में आया बच्चियों और बच्चों के हवाले से है मसाइल। तो अगर आप थोड़ी सी बातचीत करें जब तक अली बेगम को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जी माइक कल नाहिदा, शुरू मैं करें। बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ। मैं अभी आपको तौसा का बता सकती हूँ, क्योंकि तौसा में जब गई हूँ, और तौसा के, क्योंकि मैं बिल्कुल सिटी में नहीं गई तौसा के, मैं तौसा से भी आगे कोई 40 किलोमीटर आगे गई हूँ। और उसकी रीजन ये थी कि मुझे जो वहाँ के हमें लोग हमें गाइड कर रहे थे, वो मुझे बता रहे थे कि जी जो भी आता है अपने तौर पर, वो सिर्फ तौसा के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं, मंगरोठा, शादन लूंड, बस वहां से होके वापस जा रहे हैं। तो मैडम, जो अगले हमारे इलाके हैं वो बिल्कुल इग्नोर्ड है। हमने कहा नहीं, हम इंशाल्लाह जी जो पहाड़ों के साथ हैं वहां पर जाएंगे। तो वहां पर हमने ट्रैवल भी ज्यादा किया, हम वहां पर पहुंचे, और वाकई में हमें दुख हुआ कि यार हम इतनी देर कहाँ पर रहे। उस जगह पर कोई भी नहीं पहुंचा था, सबसे पहले हम ही थे जो हम गए थे। हमने कृषि की तरफ से हमने काफी सपोर्ट मिली हुई थी, हमने उनको मेडिसिन के पैक वगैरह दिए, एक डॉक्टर हमारे साथ था, उन्होंने वहां पर एक मेडिकल कैंप की सूरत में लोगों को दिया। फिर हम कुछ राशन लेकर गए हुए थे, वो राशन तकसीम किया वहीं पर। मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, अब उस खास तौर पर तकरीबन कोई 7, 8, 9 साल के इस तरह के बच्चे, वो अब इस तरीके से उनका बिहेव था कि जैसे उन्होंने देखा गाड़ी, वो चारों तरफ से बच्चे लपक पड़े, भाग पड़े, तो वो खुद भी हैरान। उन्होंने कहा कि ऐसे पहले कभी भी नहीं होता था कि हमारे बच्चे ये बिहेव रखे, भाई जैसे मांग रहे हो या कुछ कह रहे हो। लेकिन अब जाहिर ही बात है कि वो एक फ्लड इफेक्टेड एरिया भी है, उनकी नीड भी है, उनके घर भी टूट गए हैं, तो वो अब डिमांड कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ दें, मतलब बच्चे। तो मुझे बहरहाल अफसोस भी हुआ कि यार इतना बड़ा सानिया के बाद अब हमारे बच्चे खुदा ना खास्ता बैगिंग की तरफ ना चले जाएं, ये भी एक हो सकता है। और एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जब हम तौसा में गए तो आप यकीन करें कि जितने भी फकीर फुकरा, ये जो मांगने वाले लोग हैं ना, उन्होंने वहां स्टार्ट में कैंपिंग की हुई है, कैंप लगा के बैठे हुए हैं कि ये हमसे लाभदान है। और उनके बस चारों तरफ बच्चियां बच्चे भाग रहे हैं गाड़ियों के पीछे कि हमें दें, हम लूट गए तो हम ये हो गए। हालांकि वो सैलाब जदगान नहीं है, ये आइडेंटिफाई मैंने बाद में भी किया, वो जो हमारे साथ उन्होंने भी बताया। अब मतलब एक तरफ तो बच्चों की ये पोजीशन है कि वो गाड़ियों के पीछे भाग भाग के कर रहे हैं, और एक तरफ वो बच्चे इग्नोर हो रहे हैं जो वाकई फ्लड के एरिया में फ्लड से मुतासिर हुए हैं। तो इन सारी चीज, मैंने इसी पर एक अपील अपने फेसबुक पे भी लॉन्च किया है, लोगों को कहा है कि आप जब भी जाएं अपनी इमदाद देने, आप राहे लिल्ला अपने अल्लाह की खुशनूदी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज अब जो हकदार लोग हैं उन तक पहुंचे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो मकामी लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है, चाहे अम केपी है, चाहे पंजाब है, जो मकामी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करें, या वो जो पूरे इलाके को जानता है उनको कांटेक्ट करके वहां तक पहुंचे, ताकि हकदार को हक मिल सके। और बाकी जतोई के विजिट में भी मुझे देखने को मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर उतनी खराबी नहीं हुई जितने के तौसा में या डीजी खां में या राजनपुर हुए। हाँ, अलीपुर का हमारा बहुत सारा हिस्सा जो है वो मुतासिर हुआ हुआ है, उसकी बस्तियां काफी सारी ऐसी हैं जो इस वक्त भी पानी के अंदर डूबी हुई हैं। और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट चक्कर जो है 1-2 दिन के बाद मेरा वो अलीपुर का होगा, मैं फिर इंशाल्लाह अलीपुर के हवाले से आपके साथ बातचीत भी करूंगी। जी बहुत शुक्रिया नाइदा। बहुत शुक्रिया उम्मे कुलसुम सयाल जी। अमरीन सैफ जमाली फ्रॉम जैकबाबाद।
आप क्या बताना चाहेंगी आपके जो फ्लड से मुतासरा ये इलाके देखो हैं मेरी वहां के मीटिंग हो बच्चों रही और है ना, बच्चियों के क्या और फिर मसाइल लड़ाई थे? सुनेंगे तो क्या कहेंगे ये देखो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं जकमाबाद से बात कर रही हूँ सारी जी। आवाज हमारा गढ़ी खैरो ठुल जो सारा एरिया है वो पानी की लपेट में है। सिंध बलोचिस्तान से रास्ते सारे कट गए हैं और जो भी बंदे हैं ना बहुत परेशान हैं। ये फ्लड बरसात इतनी थी जो ये पूरे पाकिस्तान में थी, हर बंदा अफेक्टेड हुआ है, जो शहरों में है, जो गांव में है, जो बस्तियों में है, बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है हमारे पूरे पाकिस्तान का, एक सिंध या बलूचिस्तान का नहीं है। तो हमारा जैकमाबाद जो है ना पूरा पानी में डूबा हुआ है, हर घर हर गली हर रास्ता कोई जगह नहीं है। बंदे ऐसे बैठे हैं जो सड़कों पे बैठे हैं, उनके घर वगैरह कुछ भी नहीं बचा है, खाने के लिए उनके साथ कुछ के। नहीं। अब तो ये डायरिया हो गया है, बीमारियां जो हैं इतनी ज्यादा हो गई हैं, ये मलेरिया वगैरह समझ नहीं आता तो इनको कैसे रेस्क्यू करें और क्या इन गरीबों का होगा। बहुत ज्यादा परेशानी है, अगर कोई देने वाला है भी तो वो कितना देगा। जाहिर सी बात है सारे उनके जो रास्ते हैं तो बंद हो गए, कोई कमा नहीं सकता, कोई कहाँ जा नहीं सकता, खाने के लिए भी परेशान है, उनके बच्चे हैं। अब हमारा स्कूल है वो बंद है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अब जो ये मुतासर हैं बंदे वो बैठे हैं तो उनको निकालें तो वो जाएंगे कहाँ, अगर वो देखते बिल्कुल हैं तो फिर हमें भी दुख होता है। हेलो जी हेलो हेलो जी अस्सलाम जी 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 हाँ जी वालेकुम, कौन? रानी हेलो मिर्जा अस्सलाम बात रानी, कर रही हूँ, कैसे हैं? एक रानी होल्ड कीजिए क्योंकि बात कर रही है आपसे, अच्छा, पहले मैंने वो कहा बात शायद खत्म बात कर कर रही लेते है। हैं नहीं फिर। नहीं सोने जी मेरे, जी हेलो जी हाँ मैडम, आमना बात कीजिए। हमारे अमरीन स्कूल है यहाँ। हाँ हमारे हमारा अपना स्कूल है, अब बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासिर हो गई। वो जो बैठे हैं बंदे अब उनको निकालना भी मुश्किल हो गया है, कह भी नहीं सकते भाई तुम जाओ तो जाएं तो कहाँ जाएं, उनके घर वगैरह वो टूट गए सारे। अब तो वो बीमारियां भी हो गई हैं, ये मलेरिया का मौसम आ गया है, गंदा पानी जो ठहर गया है गलियों में सड़कों में, इतनी ज्यादा परेशानी है बंदों की क्या बस बताएं। खाने का कोई इंतजाम इतना है तो सही, लेकिन हमारा MNA है मीर एजाज खान वो कर रहा है, दूसरे भी जो हैं वो भी बहुत ज्यादा ताउन कर रहे हैं, फिर भी इतने सारे लोग हैं। हमारे तीन जो हैं जिले हैं, गढ़ी खैरो है, ठुल है, जैकमाबाद है, ये गांव आसपास के सारे हैं। एयरपोर्ट से लेकर तो सब सिंध बलोचिस्तान का रास्ता होता है जैकमाबाद और बलोचिस्तान से, वो पुलें वगैरह सारी टूट गई हैं, उनका रास्ता खत्म हो गया है, आने जाने का कहीं बंदों को रास्ता ही नहीं मिल रहा, जहां भी जाते हैं पानी पानी नजर आता है। एक तो हमारा ये रूरल एरिया है तो यहाँ तो वैसे ही कच्ची बस्ती का हिसाब लगाते हैं बंदे, जो जैकमाबाद भाई कच्ची बस्ती है। अब जो ये बरसात हुई 8 दिन बरसात, ये एक जगह पे जो ठहर गई ना, इसने बहुत सारा नुकसान किया है, शहरों का भी गांव का भी। बस दुआ करते हैं अल्लाह पाक रहम करे, अपनी रहमत से नवाजे हमें, अब तो बहुत ज्यादा परेशानी है। थैंक यू बहुत मेहरबानी शुक्रिया, मैडम। बहुत शुक्रिया अमरीन। मैं आप हमारे साथ रहे और मैं चाहूंगी कि आपने काफी हमारे साथ बातचीत की, लेकिन खास तौर पे अगर आप बच्चों और बच्चियों के जो मसाइल है ना जो आपके मुशाहदे में आया, एक तो आपने ये बताया कि स्कूल में चूंकि मुतासरीन रह रहे हैं तो तालीम का सिलसिला रुक गया है, उसके अलावा जो मसाइल आपको समझ में आते हैं वो भी थोड़ा सा आप अपने पास जरा लिस्ट डाउन कीजिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे वेबिनार के दौरान। अली बेगम है हमारे साथ, अली बेगम आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? तो प्लीज जरा आप हाँ बात जी, कीजिए। जी मुझे आवाज आ रही है, मैं आई एम मैडम आ सॉरी, रही मैं है। जरा जी बहुत अच्छा। मेरा नाम अली बेगम है और मैं खुद एक जो मर्ज एरिया है खुरम, वहां से बिलोंग करती हूँ। और हमारा भी रूरल एरिया है और जिसको पहले फाटा कहते थे, वहां पे भी बड़ी तकालीफ है, आप यकीन कीजिए।
हमारे जो गांव है अभी तक उसका रोड सही तरह से रोड नहीं है, लेकिन बस हिम्मत करनी पड़ती है। और हमने भी अपने कोशिश की, थोड़ा सा पढ़ा लिखा, सिविल सर्विस में आ गए, और उसके बाद से मेरा एक तरह का ऑब्सेशन है कि खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, और खास तौर पर बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करूं। तो नाहिद साहबा हमारा, नाहिदा साहबा हमारा जो पाकिस्तान में वैसे भी इवन ये सैलाबों से पहले भी हमारी तालीमी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में तालीम और इंसानी वसाइल को तरक्की देने पर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। तालीम का बजट भी कम होता था, यानी 1998 और 99 में तालीम का बजट जो है वो 2.4% जो मुल्क की मुकम्मल जीडीपी आमदनी है उसका 2.4% था। और अगर 100 पढ़े लिखे आदमी हैं तो उसके मुकाबले में सिर्फ 57 खवातीन ख्वांदा होती थी, और ख्वांदा उसको कहते हैं जो कि सिर्फ पढ़ सके और थोड़ा बहुत लिख सके। और खास तौर पर बलूचिस्तान और वो देहाती, हमारे देहाती इलाके जहां पहले भी वसाइल की कमी थी, उन पर तो कयामत गुजर रही है। जो कि मैं अभी, मैंने खातून की बातचीत सुनी और जो हम देख रहे हैं रूरल बलूचिस्तान में, खास तौर पर पढ़ी लिखी खवातीन की तादाद बहुत कम है। हमारे मुल्क में वैसे भी सैलाबों से पहले भी जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे 1 करोड़ से ज्यादा हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा वो बच्चे ऑलरेडी थे जो कि स्कूलों में नहीं पढ़ते थे। और जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, और 2050 तक पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क होगा आबादी के लिहाज से, जो कि चाइना, चीन, इंडिया और अमेरिका के बाद चौथा बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से होगा। और इतनी बढ़ती हुई आबादी के लिए स्कूलों की फराहमी, पढ़ाई का इंतजाम करना वैसे भी मुश्किल था, लेकिन अब सैलाब ने तो बिल्कुल ही तबाही मचा दी है। हमारा जो, जिन इलाकों में सैलाब आए हैं वहां हमारे प्राइमरी स्कूल 2 कमरों का स्कूल होता, उसमें कोई एक उस्ताद होता जिसकी 4 दीवारी भी नहीं होती, और प्ले ग्राउंड तो होता ही नहीं है, और लाइब्रेरी का तो जिक्र ही क्या करना। तो जो बच्चे वो बुनियादी तालीम हासिल कर रहे थे वो उनके लिए ऑलरेडी मुश्किल थी, और सैलाबों और इन मुसीबत के बायस तो और मसला पेचीदा हो गया है। हमारी 2011 में 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम पर तालीम बिल्कुल सूबाई जिम्मेदारी बन गई, लेकिन सूबों के दरमियान तालीमी मैदान का मुकाबला नहीं हो रहा, पार्टियों के दरमियान तालीमी मैदान में मुकाबला नहीं हो रहा। होना तो ये चाहिए कि अगर ये सूबाई मजमून है तो हर सूबा तालीम के मैदान में आगे बढ़े कि हम बाकी सूबों से देखें हमारी तालीम इतनी बेहतर जा रही है। हमारे यहाँ
7 लाख से ज्यादा बच्चे जो 16 साल से कम उम्र हैं, वो चाइल्ड लेबर है, वो मजदूरी करते हैं, वो जिस्मानी ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर पसमानदा रह जाते हैं, फितरी बात है। और वैसे भी देही और शहरी इलाकों के वसाइल और मवाके में बहुत फर्क है। अब सैलाबों से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। वैसे भी पाकिस्तान में खवातीन की शरह अमवात बहुत ज्यादा थी, यानी जहां 1 लाख पैदाइश होती थी बच्चों की, 140 खवातीन उसके दौरान डिलीवरी के दौरान फौत हो जाती हैं। इसी तरह बच्चों की शरह अमवात ज्यादा थी। पाकिस्तान उन वाहिद दो ममालिक में है जहां पोलियो की वबा अभी तक मौजूद है, और सिर्फ जो लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, जिसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं, वो मेल साइड पर मर्दों में 69% और फीमेल में खवातीन की साइड पर 46% है। इसी तरह हमारी 70% आबादी एग्रीकल्चर में है, ये ज़रात में है। इन हालात में जो सैलाबों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है, वो उन अवाम पे आया है जो रूरल है, देहाती हैं, वो ज्यादातर सफर करने वाले या तो बच्चे हैं या खवातीन हैं। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ है। इसमें 14 साल तक के बच्चों की तादाद 7 करोड़ से ज्यादा है। अगर 3 करोड़ 30 लाख अफराद मौजूदा सैलाबों से मुतासिर हुए हैं, तो उनमें 1 करोड़ 19 लाख बच्चे हैं, क्योंकि ये जो आबादी की शरह है पाकिस्तान की, उसमें 36% से ज्यादा 14 साल तक की उम्र के बच्चों की तादाद है। लिहाजा ये 1 करोड़ 19 लाख बच्चे ना सिर्फ बेघर हो गए हैं, बेदर हो गए हैं, उनका जो गुजारा खेती बाड़ी पे होता था वो भी तबाह हो गया, क्योंकि 80 लाख एकड़ जमीन जो जिसमें ज़राअत करते थे वो सैलाब की नजर हो गया, और 14 लाख घर तबाह हो गए। वो जो माल मवेशी पे गुजारा करते थे, पहले तो स्किन डिजीज से माल मवेशी तबाह हो गए, फिर जो बच गए वो 7,35,000 मवेशी सैलाब की नजर हो गए। 1300 लोगों से ज्यादा जाने चली गई। अब इन 1 करोड़ 19 लाख बच्चों का बनेगा क्या? उनका घर बेशक कच्चा था, वो 1 या 2 कमरे थे, लेकिन उनके सरों पर छत थी। उनका 1 खेत या 2 खेत या जितने भी खेत थे, लेकिन उसमें कुछ पैदा करते थे, एक तरह का उनका रोजगार था, वो सैलाब की नजर हो गया। गाय भैंस जो थी वो भी चली गई, तो ये तो अब बिल्कुल लुटपुट गए। यानी उस गांव में अगर खराब सा स्कूल होगा, लेकिन कोई स्कूल होगा, अब वो बच्चे बेसरो सामान है। रेस्क्यू के बाद पहला काम जो रिहैबिलिटेशन का है, उसमें हुकूमत कुछ कोशिश कर रही है, यानी जो जांबहक हो गए उनको 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जिनके कच्चे घर या जो भी थे खराब और तबाह हो गए
उनको 25-25 हजार रुपए कॉम्पनसेशन देने का ऐलान किया है। इसी तरह से अब फलाही अदारे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और दोस्त ममालिक भी इमदाद दे रहे हैं। जहां पर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ये 1 करोड़ 19 लाख बच्चों के लिए अब रिहैबिलिटेशन में पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जहां पर खेमे दिए जा रहे हैं तो उसमें एक खेमा बराए स्कूल होना चाहिए। उस खेमे में जो बेदर बच्चे हैं जिनके स्कूल तबाह हो गए, एक खेमे को स्कूल डेजिग्नेट किया जाए। वो असातेजा जो सरकारी स्कूलों में थे वो वहां आ जाएं, स्टूडेंट आ जाएं, तो उस्ताद होगा और बच्चे होंगे और एजुकेशन की जो सप्लाई लाइन है वो थोड़ी बहुत शुरू हो जाएगी रिहेबिलिटेशन के दौरान। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि जो बच्चे इस तरह के स्कूल आएंगे उनके लिए थोड़ा बहुत इंसेंटिव होना चाहिए। मैंने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हमारे पहले कबायली इलाके थे उसमें चंद एक ऐसे प्रोजेक्ट चले कि जिस स्कूल की बच्चियां स्कूल आती थीं उनको थोड़े बहुत पैसे दिए जाते थे, तो लोगों ने बच्चियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। इसी तरह से कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चले। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि खुराक और खेमे मुहैया होने के साथ साथ बच्चों की तालीम के लिए वो इनिशियल चंद एक बुनियादी इकदाम उठाने चाहिए। ये मेरी अर्जदाश है। इसमें फलाही अदारे जाहिर है हुकूमत का तो पहला फरीजा है, सूबाई और मरकजी हुकूमत, और इसके साथ साथ जो भी इमदाद आ रही है उनको पहुंचने के लिए एक स्मूथ किस्म का की वर्किंग पे काम होना चाहिए। हम सुनते हैं कि बास ट्रक लूटे जा रहे हैं, इसमें हमारे दिफाई अदारों को इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो एंश्योर करें कि जो ट्रक जिन कैंपों तो पहले तो कैंप आइडेंटिफाई हो उनके लिए वो रास्ते महफूज हों ताकि जो फलाही अदारे वहां पे खुराक या दूसरा सामान ले जाना चाहें वो आराम से सहूलत के साथ वहां पहुंचाए जा सकें। तो ये मेरी चंद एक अर्जदाश्त है। और बीच में मैं कोशिश करूंगी कि जहां जरूरत हो, कोई सवाल हो, कोई बात हो, मैं ज्वाइन करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। अली बेगम साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने बड़े इख्तसार के साथ जो बच्चों की जरूरियात है रेस्क्यू के बाद उसको आपने एड्रेस किया, और उसमें जो मुझे समझ आई कि सबसे अहम जरूरत आपने तालीम पे आपने बात की कि जो टेंट्स मुहैया किए जा रहे हैं उन टेंट बस्तियों के अंदर बच्चों की तालीम का जो बंदोबस्त है उसको लाजमन किया जाए, और वहां पे वही जो हुकूमत के पहले वहां पे असातिज़ा है या वहां रहने वाले लोगों में से जो भी पढ़ा लिखी खातून है वो वहां बच्चों का जो लर्निंग का प्रोसेस है, तालीम का प्रोसेस है, का सिलसिला है उसको जारी रख सके। मैडम, मैं ये एक बहुत अहम सवाल आपसे करना चाह रही हूँ आगे इस गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले, कि आप एक खातून जो ब्यूरोक्रेसी में आपने काफी ज्यादा काम किया है, और आपका जो मैंने कहीं आपसे जो बातचीत की थी उसके अंदर मैंने ये सुना था कि जब आप महकमा वर्क्स में काम कर रही थी तो अगर स्कूल की तामीर की जाती थी तो आप खवातीन और बच्चों की जरूरियात को किस तरह से उन इमारतों में अपने सामने रखती थी, तो वो थोड़ा सा अगर अपना जो वो काम है वो अगर हमें बता दें तो वो हमें जरा ये समझने में मदद मिलेगी कि अगर
ब्यूरोक्रेसी की अहम जो नशिस्तें हैं, सीटें हैं, जी जी वहां पे जब खवातीन तैनात होती है तो वो किस तरह से इंतजामी अमूर को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है, जी खासतौर पे जी स्कूलों के अंदर जो आपने तामीरात करवाई वो जी प्लीज हाँ बताती जी जाइए ताकि फिर हम आगे बढ़ें। बहुत अच्छा। ऐसा है कि मैं वाहिद खातून थी जो कि उस वक्त तो NWFP बोलते थे, खैबर पख्तूनख्वा में। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मेरे लिए कोई जगह निकालना बहुत मुश्किल था। उस वक्त के गवर्नर साहब ने बड़ी कोशिश की और कि मुझे कोई फील्ड में जॉब दिलाई जाए, लेकिन फील्ड में उस वक्त ये नामुमकिनात में से था, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में से तीसरी खातून थी जो कि जिसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बोलते थे उसमें आई थी। लिहाजा मुझे प्लानिंग में अकोमोडेट किया गया और प्लानिंग में हम वहां स्कूल बनाते थे, रोड बनाते थे और बाकी तरक्याती कामों का वो करते थे। तो मैंने खास तौर पर खवातीन के तालीम के लिए बड़ी कोशिश की। उस वक्त जो हमारे कबायली इलाके थे वहां पे खवातीन के थोड़े बहुत स्कूल थे, लेकिन वहां पे लोकल टीचर नहीं होती थी क्योंकि वहां की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी। तो ज्यादातर असातेजा खवातीन असातेजा बनू, पेशावर, कोहाट, मर्दान, इन इलाकों से आती थी। उनके लिए अकोमोडेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो वो जैसे उस वक्त के जो कबायली सिस्टम था, खान खवानीन मलक के घर में रहती थी और उन्हीं के कोई एक दो कमरे स्कूल होते थे या कोई दो कमरों का जो स्कूल होता था वहां जाकर पढ़ाती थी और खान के घर में रहती थी। एक दफा मैं एक स्कूल में गई, वो वर्किंग डे था, लेकिन वो स्कूल बंद था। तो मैंने पूछा कि क्यों स्कूल बंद है। किसी ने मुझे बताया कि वो खान के घर में रहती है और खान की बेगम साहबा शादी पे गई हैं, तो वो टीचर उनके घर को देखभाल कर रही हैं। मैंने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और मैंने टीचर को बोला कि कहाँ, क्यों स्कूल नहीं गई हो। उन्होंने ये वजह बताई। मैंने आकर ये उसूलन फैसला किया कि 10 स्कूलों के बजाय 5 स्कूल बनाऊंगी, लेकिन उसमें 2 कमरों का एक क्वार्टर टीचर के लिए बनाऊंगी। ये मैंने सिलसिला कबायली इलाकों में शुरू किया। तो इस तरीके से वो टीचर आजाद होती थी खान या मलक के हुक्म से। लिहाजा स्कूल चलने लगे। थोड़े अरसे के बाद मैं फाइनेंस में चली गई, तो मैंने स्कूलों के लिए एक सिस्टम बनाया और हमारे गवर्नर साहब होते थे खुर्शीद अली खान, होती अगर हयात हैं तो अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर गई हैं और उन्होंने गरीबों में पैसा तकसीम करने के लिए दिया है। वो मीटिंग में मैं भी बैठी थी। मैं जरा बोलने वाली थी तो मैंने कहा कि जी, जो पैसा गरीबों में तकसीम होने के लिए दिया गया है ये गरीब तक नहीं पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा क्या करें। मैंने कहा कि गर्ल्स कॉलेजेस बना लेते हैं। अब लड़कियां कहते हैं लड़कियां कहाँ होंगी। मैं एजुकेशन से गई थी एज एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन, सारा डाटा मेरे पास था। मैंने डाटा निकाल के उनको दिखाया कि पिछले साल इस हाई स्कूल से इतनी तादाद में लड़कियां पढ़ लिख गई, उससे पिछले साल इतनी लड़कियां पढ़ लिख गई। तो अब वो घरों पे बैठी हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स फाटा के लोग हैं, वो हॉस्टलों में बच्चियों को नहीं भेजते। तो गवर्नर साहब ने कहा ठीक है कॉलेज बना लें। तो मैंने उनको सजेशन दी, उन्होंने मंजूर कर ली और फाटा में अब हर इलाके में, मर्ज एरिया के हर इलाके में जितने गर्ल्स कॉलेजेस हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो कॉलेजेस बनाने में मेरा एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन में हाथ था। और अब
आप देखें जो कबायली इलाके होते थे जिनको अब मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, अब लड़कियां डॉक्टर भी हैं, सिविल सर्विस में भी आ रही हैं। चंद एक को तो मैं जाती तौर पे जानती हूँ, वो फॉरेन सर्विस में आ गई हैं। इसी तरह से बेशुमार टीचर्स, प्रोफेसर और आगे आ गई हैं। तो बच्चियों को एक फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक किसी कौम में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ना हो, हमने एज अ कौम किस मकाम पे पहुंचना है, ये सेंस ऑफ डायरेक्शन इंतहाई जरूरी है। ना हमारे सियासी झगड़े कोई फायदे देते हैं, ना कोई और प्रायोरिटीज फायदे। मैंने नहीं देखा कि कहीं लाइब्रेरियां बनाने के लिए प्रायोरिटी दी गई हो। मैंने नहीं देखा कि एजुकेशन को वो प्रायोरिटी दी गई हो जो कि बड़ी लग्जरी है। हुकूमत में अभी भी लग्जरीज हैं, वो कम हो सकती हैं। हमारे मैंने जाकर जापान में देखा, उनके दफ्तर, वो जापान तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके दफातर का एक खास सिस्टम है प्लानिंग का। हमारा देखें तो जनाब अफसर तो एयर कंडीशन रूम में बैठा होगा, और जो काम करने वाले लोग हैं तो वो उनके पास तो पंखा भी मुश्किल से होगा। तो ये जो लग्जरीज हैं, थोड़ा सा फैट कम करना होगा और हमारी तालीम को हर लिहाज से प्रायोरिटी देनी होगी। अगर हमने तालीम को प्रायोरिटी नहीं दी, रीडिंग कल्चर को डेवलप नहीं दिया, खवातीन को मवाके फराहम नहीं किए, आप यकीन कीजिए कि ये कौम आप जितना चाहे जहाज ले लें, ये तरक्की नहीं कर सकती। तरक्की के लिए तालीम लाजमी है, खवातीन की शमूलियत लाजमी है, और हम जैसी खवातीन जो के जरूरियात को समझते हैं, उनका कहीं आगे प्लानिंग में आगे लाना जरूरी है। ये कुश्तियां नहीं चलेंगी, ना सियासी कुश्तियां और ना और नारेबाजियां। तालीम हमारा जो, हम तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, पहली वही नाजिल हुई थी, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अलम बिल कलम। हम कैसे मुसलमान हैं, पहले वही ये नाजिल हुई और हमने पढ़ाई को ही छोड़ दिया, और हम पढ़ाई में पीछे हैं और जहालत में सबसे आगे हैं। ये बात अफसोस की बात। तो इस पे हमें गौर करना होगा, हमें तालीम को प्रायोरिटी देनी होगी। तो ये मेरा मुझे बहुत शिद्दत से मैं महसूस करती हूं कि हमारा सेंस ऑफ डायरेक्शन ठीक नहीं है, और हमारे आने वाले नस्लों के लिए बेशुमार तकलीफें होंगी, जिसका मुझे बड़ा दुख है। और हम में से जिसको भी देखें, यानी मेरे अपने बच्चे भी बाहर हैं, जिसको भी देखो, यानी अगर वो महकमे तालीम में भी काम करता है, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे तालीम के लिए जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तालीम हासिल करते हैं। ये हमारे लिए कौम के लिहाज से, पाकिस्तानी होने के लिहाज से बहुत बड़े शर्म का मकाम है। और हमें थोड़ी बहुत गैरत का एहसास होना चाहिए, और हमें अपने बच्चों की तालीम को प्रायोरिटी देनी होगी, खास तौर पर गरीब और पसमांदा जो लोग हैं, जो अपने बच्चों को तालीम के लिए बाहर नहीं भेज सकते। और इस कौम पर मुसल्लत वो लोग हैं जो कि तालीमी अदारों को, खास तौर पर गवर्नमेंट स्कूलों को
बेकार किए हुए हैं और जिन्होंने उस्तादों की वक्त को कम किया हुआ है। टीचर को अपना मकान देना होगा और बड़े से बड़ा अफसर भी उस्ताद के सामने हम्बल खड़ा होगा। और ये भी नहीं होगा कि हम महकमे तालीम के तबादले और अपॉइंटमेंट ये मेरा आदमी है और ये मेरा आदमी है इस पे करें, मेरिट नंबर वन प्रायोरिटी हो। तो ये मेरी चंद एक अर्ज गुजारिश है जो कि मैं आपकी खिदमत में कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मैडम बेहद शुक्रिया, हमें बहुत खुशी है कि हम आज आपको सुनने का हमें मौका मिला है। हमारे साथ बाकी भी काफी सारी बहनें हैं। थोड़ी देर पहले हैंड रेस था आसिया आसिफ साहिबा। आसिया आसिफ, आप क्या बात करना चाहेंगी? अगर आप टॉपिक को सामने रखें कि आप सैलाब के दौरान बच्चों और बच्चियों के मसाइल और उस पे हवाले से आपकी तजावीज क्या है, आपके मुशाहिदे में क्या मसाइल हैं, वो भी जरूर बात कीजिए। और अगर आपका कोई अली बेगम से सवाल हो तो भी आप बात कर सकती हैं। आसिया आसिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, उम्मीद है आप लोग सब मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, अपना इलाका भी बता दीजिएगा। क्वेटा से बात कर रही हूँ मैं, क्वेटा से, बलूचिस्तान से। तो इस वक्त बलूचिस्तान की जो फ्लड के हवाले से सूरत हाल है, बहुत बहुत ज्यादा हालात खराब हुए हैं। घर सारे डैमेज हुए हुए हैं, घरों पे लोगों के छतें नहीं है, उनके घर सैलाब में बिल्कुल मलिया मेट हो गए हैं। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों का नामो निशानी नहीं रहा। बहुत बुरे हालात है बच्चों के स्कूलों, 15 दिन के बाद तो आज क्वेटा के स्कूल में मंडे से बच्चों ने दोबारा जाना शुरू किया है। सैलाब की वजह से स्कूल सारे बंद कर दिए गए थे, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट वाले दोनों स्कूल्स बंद थे सैलाब के खदशे की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है, पुल टूट गए। बलूचिस्तान का जो सूबा है बाकी डिस्ट्रिक्ट से ये बिल्कुल कट के रह गया। हर तरफ महंगाई है, बस कहने को तो आंसू है। जब हम इन खवातीन के पास मैं गई हूँ तो वो कह रहे थे कि हमें शोर, पानी के शोर की थोड़ा साइड पे जिनके घर तबाह हुए वो बता रही थी कि हमें आवाजें आ रही थी कि पानी किस तरीके से आ रहा था और उनके घरों को तबाह करता हुआ जा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतना बुरा हालात है, पानी नहीं है इनके पास, सैनिटेशन का नहीं है कोई कुछ। मैं कहती हूँ रोटी के लिए भी वो लोग तरस गए बिल्कुल, और ऐसे भाई यारों मददगार बेचारे बैठे हुए हैं, आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। मैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आसिया। हम तमाम दही रहनुमा खवातीन आपके दर्द को महसूस कर सकती हैं, खासतौर पे वो हमारी बहनें जो कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में जा रही हैं और अपने इर्द गिर्द सारी तबाही देख रही हैं। खासतौर पे अपने तमाम विजिट्स के दौरान ये जरूर जहन में रखें कि बच्चों और बच्चियों को क्या मसाइल दरपेश है। आपने जैसे तस्करा किया अपनी गुफ्तगू के दौरान के 15 दिनों के बाद मंडे से स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो तालीमी निज़ाम जाहिरी बात है जिंदगियों के का खतरा पड़ा हुआ, तो तालीम और उसके साथ सेहत के मसाइल होंगे। तो हम चाहते ये कि आप लोग हमें बताएं जो वहाँ पे डायरेक्ट उन जगहों में मौजूद हैं कि अहम मसाइल क्या है और उनको हल करने के लिए तजावीज क्या है आपकी, क्योंकि आप डायरेक्ट उन जगहों पे मौजूद हैं जहाँ पे ये तबाही आई हुई है। तो आपकी हर बात हमारे लिए और सुनने वाले तमाम लोगों के लिए ज्यादा अहमियत की हामिल होगी और जाहिर बात आपकी तजवीज भी ज्यादा काबिल अमल होगी। मारवी आपदा है हमारे साथ बदीन सिंह से, प्लीज बात कीजिए। आप ना अपने आप को माइक को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। आप ना कैसी हैं, आप खैरियत से? हाँ मैम, क्या हाल है? ठीक है। मेरा नाम अभी आपदा है, मेरा ताल्लुक बदीन सिंह से है। और जैसे सारी दुनिया मुतासिर हुई है, खास करके अपना पाकिस्तान, इस तरीके से बदीन भी बहुत ही मुतासिर हुआ है। और आज का जो टॉपिक मैडम अली बेगम ने बताया, बहुत ही हमारे लिए भी कारामंद चीज़ें थी, हमारे इजाफा हुआ मालूमात में। और तालीम के हवाले से बच्चों की तालीम तो बहुत ही मुतासर तो हुई है, लेकिन हमारे इलाके में हमने जो विजिट किया है तो देखा गया है कि जो वडेरा
चाहिए वो अपने अपने बंदे को मतलब दूर दराज के इलाकों से, चाहे उनके घर डूबे हैं या ज्यादा नुकसान नहीं भी हुआ, उनको वहां पर कायम करके दिया है, मतलब वहां का उनका ठिकाना बनाकर उनको रहने के लिए दिया है। और जो भी इमदाद या कोई भी ऐसी आती है तो वो उन पर डायरेक्ट जाती है और उनको ही सहूलत मिल रही है। और जो मुस्तहिक है, जिनके वाकई नुकसान हुए, वो बेचारे मतलब गोठों में ही है या तो कहीं रोडों पर या कहीं ऐसे ही पड़े रहे। तो मकसद बात का ये है कि हमारे शाही निज़ाम जो है उनका मुदाखलत बहुत है, क्योंकि उनके असर रसूख भी बहुत है। इस हवाले से वो फायदा भी अपने लोगों को ही देते हैं, गरीबों को पीसते हैं, जैसे हालात कुछ पीसे कुछ ये। बाकी ये देखा गया है कि फलाही जो भी इदारे हैं वो सही तरीके से काम करते हैं अगर उनकी पहुंच होती है उन लोगों तक। तो मेरा ये एक ख्याल है कि गवर्नमेंट के जो भी अहम रुकन है वो मिलकर और हमारे रहनुमा जो फलाही काम करते हैं वो वडेरा शाहू को कहें कि जो अपनी ओताकी बना के रखी हुई है वहां पर उन लोगों को उठाए, क्योंकि वो भी तो जगह पड़ी है, लोगों के काम आ सकती है, और स्कूलों को छोड़ दे ताकि अपने बच्चे पढ़ाई मुकम्मल कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पे हमारे साथ नौशीन सोमरू है, उनका उन्होंने मैसेज किया है ग्रुप पे कि उनको आवाज नहीं आ रही जूम लिंक से, सो वो इस वक्त लाइव फेसबुक से इस सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं। नौशीन आप वहां पे भी अपने कमेंट्स छोड़ सकती हैं और हम उसको बाद में रिस्पॉन्ड कर लेंगे। आप जो चैट बॉक्स है वहां पे आप लिख के तो आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं या अपना कोई तजवीज देना चाहती हैं तो चैट बॉक्स में भी आप लिख सकती हैं। जी और कौन बात करना चाहेगा? मैडम मैं, हेलो जी जी जी, आप कौन बात कर रही हैं? बिस्मिल्लाह, अज़रा मेमन का हैंड रेज है। जी जी बिस्मिल्लाह पर मैं आपकी तरफ आती हूँ, अज़रा मेमन का हैंड रेज है, सिंध से उनकी बात सुनते हुए आप तक पहुंचती हूँ। अज़रा बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अज़रा अपना तारफ कराती जाएं ताकि जो हमारे नए मेंबर हैं मीटिंग में उनको आपका तारफ पहुंचना जरूरी है। मेरा नाम अज़रा मेमन है और मेरा ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट दादू सिंध से है और मैं देही खवातीन रूरल वुमन लीडर, मेरी पाकिस्तान पौधा पाकिस्तान से जो है मेरा रिश्ता है वो 2010 से है। सो और मेरी ऑर्गेनाइजेशन है नारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मैं हेड हूँ। सो बस ये आज के हवाले से जो जो मौजू था बहुत बहुत अहम और अच्छे लेवल पे जो मैडम ने बताया चीजें औरतों के लिए बच्चियों के लिए जो एजुकेशन पे था तो बहुत ही उनका अहम मौजू था। मैं बस हमारे यहाँ जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है डिस्ट्रिक्ट दादू सिंध में वो फ्लड अंडर फ्लड सिचुएशन है, अभी भी हम हर घंटे में एक सिचुएशन चेंज होती जा रही है। तो मैं डेली फील्ड में जाती हूँ, जो हमारी खवातीन हैं देही रहनुमा जो इस वक्त कुछ कैंप्स में बैठी हैं, कुछ जो है वो FB बंद हैं, हमारी ओपन स्पेसेस पे बैठी हैं, तो उनके जो इश्यूज आ रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ओपन स्पेसेस पे बैठी हैं क्योंकि वो वही खवातीन है जो उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो बच्चे उनके फीडबैक मैंने सुने है कि जो बंते में बैठी थी कैंप में वहां पे जो 25 से 30 जो मोटरसाइकिल गुजरे और गदा गादी वाले चिंगची वाले तो और उनके जो घर वाले हैं वो जाते हैं। जी अज़रा बात जारी रखिए, आपकी आवाज आना कम हो गई है। हेलो आ रही है नेटवर्क का थोड़ा? जी बिल्कुल अभी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, अभी बात कीजिए। तो हमारी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा डैमेज है डिस्ट्रिक्ट दादू, तो यहाँ की जो औरतों के साथ अभी जो इश्यूज आ रहे हैं वो ज्यादातर जो है हाइजीन के और सिक्योरिटी के बहुत इश्यू आ रहे हैं। मैंने जो अभी गई हूँ मेरी जो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उन खवातीन से मिली हूँ, वो खवातीन जो बच्चों को दूध पिला रही है ओपन स्पेसिस पे वहां पे जो लोग का गुजरान है जो वो गुजरते ही नहीं थे, अब जो खवातीन बैठी है उनके गाँव जो घर वाले वो काम के
मतलब के लिए शहर जाते हैं या क्या, उसकी जो खवातीन है वो ओपन स्पेस बंद पे बैठी हैं, तो उनके लिए जो मैंने देखा कि ये हरासमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, उन्होंने फीडबैक दिया कि मैडम हमें हरासमेंट के बहुत इश्यू आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा SHO है, DSP है, उनसे भी ये बात की थी कि इन कैंप के अंदर, क्योंकि वो एक रोड की साइड पे वहां पे गुजरान है लोगों का, एक पब्लिक वो साइड है जहाँ पे लोग जो इफेक्टेड हैं, जो खास कर खवातीन हमारी हैं, वो बैठी हैं, वो इन चीजों को अब बहुत ही सफर कर रहे हैं। तो हमने अपनी तरफ से जो कुछ चीजें वो कलेक्ट करके उनको जो है ना, एक कुछ जो वॉशरूम है वो बोल रहे हैं उनको वॉशरूम कुछ उनका कंट्रीब्यू, वो जो खवातीन है वो खुद ही उसमें लेबर करेंगी हमारे साथ, और प्लस में हमने कुछ प्लास्टिक की शीट है, कुछ जो है वो लकड़े होते हैं, वो जो चीजें हैं उनको हमने कह के हम इन पे वर्किंग करेंगे, फिर साथ में ये चीजें उनको जो ना वॉशरूम और जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो हम उन पे जो है ना मिलके DSP से और अपना SHO जो भी हमारे प्लान पुलिस लाइन के हैं या हमारे वुमेन प्रोटेक्शन सेल है उनसे भी हमने डिस्कस की है। तो ये बहुत से जो हमारे वुमेन के जो इश्यूज हैं ना फ्लड के दौरान ये हो रहे हैं, बस ये कुछ इश्यूज थे जो मैंने आपसे शेयर किए। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू ये बता रही है कि अगर आप विमेन की बात कर रही हैं तो जो एडोलेसेंट गर्ल्स होंगी वो भी इन कैंपों में है, तो यकीनन आपका क्या क्या ख्याल है, उनको भी ये मसाइल दरपेश होंगे, वो ओपन जगह पे बैठी नहीं है। मैं साथ ये बताती चलूं कि ये तस्वीर जो आपको स्क्रीन पे शेयर की जा रही है ये अज़रा मेमन जो इस वक्त हमारी दई रनमा खातून बात कर रही थी, ये इनका फ्लड के जब से ये फ्लड आया है दिन रात के जिस वक्त भी हमने इनके साथ रब्ता किया है ये कि किसी न किसी साइट पे गई हुई है। अज़रा हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपको और आप जैसी तमाम दई रहनुमा खवातीन जो इस वक्त इतने मुश्किल हालात में फ्रंट पे हकूमती इदारों के साथ, अगर वो हमारे साथ बुशरा है AJK से और बाकी बलूचिस्तान से बहने हैं, तमाम हकूमती इदारों के साथ पुलिस है, आर्मी के लोग हैं, अगर हेलीकॉप्टर्स में सामान इकट्ठा होके जमा किया जा रहा है, तो उन तमाम जगहों पे साथ साथ हैं। यकीनन खवाती बच्चियों और बच्चों के जो मसाइल है हमें मुकम्मल यकीन है कि वो आपकी नजरों से ओझल नहीं होंगे और आप वो जरूर हम तक पहुंचाते रहेंगे। तो मुझे बताइएगा कि एडोलेसेंट बच्चियों के क्या मसाइल है जो आपके मशाहदे में आए हों। बेटा दरवाजा बंद कर लो जरा, जी मेरे ख्याल में अज़रा नहीं हमारे साथ। बिस्मिल्लाह इरम, आपने थोड़ी देर पहले बात करना चाहिए थी, अज़रा की बात होगी, अब आपकी तरफ में आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं मैडम अली बेगम खान साहिबा की जब गुफ्तगू सुन रही थी, अगरचे उन्होंने बाद में बताया कि मेरा ताल्लुक DMG ग्रुप से था, तो मुझे उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि ये जो अल्फाज बोल रही हैं ये इनकी जिंदगी का प्रैक्टिकल तजर्बा है। तो एक तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत डिटेल से बात की। मेरा ताल्लुक चूंकि जनूबी पंजाब से है, हम जनूबी पंजाब के लोग आधा साल खुश्क साली का शिकार होते हैं और हमारे जानवर बीमारियों का शिकार होते हैं और उसके बाद सैलाब का रुख भी यहीं से गुजरता है। लेकिन अब के साल तो दुख सबका एक जैसा है कि चारों सूबे इस वक्त किसी न किसी जगह पर लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, और ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं कि अपने हंसते बसते घर को छोड़कर, अपनी आंखों के सामने डूबते देखकर, अपनी कुल मता बाल बच्चों को लेकर आप जब जा रहे हों और आपको फिर भी जिंदगी महफूज नजर ना आए और बच्चों की तहती हुई लाशें और बेशुमार ऐसे सीन हमें नजर आए जिन्होंने दिल को दहला के रख दिया। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी जिम्मेदारियों से ओझल नहीं हो सकती।
सबसे पहली बात तो ये है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वार्निंग थी, बारिशों की अलार्मिंग सिचुएशन थी, सब कुछ पहले से पता था। तो फिर हमें उन एरियाज को पहले ही खाली करवा लेना चाहिए था, कुछ प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ जगह पे अचानक पानी के रेले आए, लेकिन बात ये जुल्म क्यों होता है कि शहरों को बचाने के लिए हमेशा देहात के लोग कुर्बानियां देंगे। इस मुल्क में देहात का जो अफराद हैं वो बहुत कुर्बानियां देते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आ रही है आपकी आवाज? अच्छा, दूसरी बात ये कि मैडम ने कहा कि लिटरेसी वहां पे कैंप्स लगाएं। हम 2002 से प्रैक्टिकल इस बात पे आए थे कि यूनिवर्सल एजुकेशन का टारगेट अचीव करना है और 2030 तक करना है, लेकिन जो हमारा जीडीपी फंड यानी जो हमारी नियत है उसके हिसाब से बजट बहुत कम है। और 2070 तक अगर हालात ठीक होते तो उस सूरत में भी मुमकिन नहीं था। तो अब तो जो सूरत हाल है वहां पे हंगामी बुनियादों पे जो सबसे बड़ा इशू है, खुराक और लिबास, ये तो सबसे पहले मैं उन्हें वो खवातीन देखी, वो बच्चे देखे जो घरों से तन तनहा एक शलवार कमीज में निकले थे, उनको जल्दी बीमारियां हुई, उनको मेडिकल कैंप्स में फीमेल नहीं है, फीमेल डॉक्टर्स नहीं है। हमने बड़े डॉक्टर पैदा कर लिए लेकिन हमारे यहाँ उन कैंपों में फीमेल डॉक्टर्स की तादाद कम है। जो हमला खवातीन है वो नॉर्मल हालत में मसाइल का शिकार रहती हैं, गजाइत की कमी का शिकार रहती हैं। उनके जो मसाइल हैं वो तो हम खवातीन ही समझ सकती हैं ना। इसके अलावा जो बच्चियों के मंथली पीरियड के इश्यूज हैं वो सिर्फ चावल देने से पूरे नहीं होंगे, वो तो उनको लिबास भी चाहिए, उनको उन डेज के लिए इंतजाम भी चाहिए। एक तो है कि बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, एक जो कुदरती सिस्टम का मुकाबला करना है उस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन पे तो पहले ही बहुत सारी पाबंदियां थी और हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमने ये जो इन पे पाबंदियां लगाई थी ये गलत थी। जो हम लोग लेके अभी भी पहुंच रहे हैं तो हमारे जहन में खौफ है कि कल को हमें इसका हिसाब किताब कैसे देना है। सबसे बड़ा इशू मैडम इन खवातीन और बच्चियों का खुली फिजा में इस वक्त वॉशरूम का इस्तेमाल, कुत्ते काटने के केस, सांपों के केस, बिच्छुओं के केस और अद्वियात नहीं है। सबसे पहले तो बेपर्दगी का तो एक तरफ है, उस पे तो सिस्टम नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी जानवरों के काटने के जो वाकयात हो रहे हैं वो तो शायद वहां तक हमारा मीडिया पहुंच ही नहीं रहा। और इसके बाद कुछ जो बच्चियों के साथ जिंसी हवाले से कुछ मसाइल सामने आए हैं हरासमेंट के, यकीन जाने दिल दहल जाता है कि इस वक्त ये तो वो केस हैं जो सामने आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में वो केस होंगे जो शायद जब कभी पानी उतरेगा और उसके बाद वो केस सामने आएंगे कि हमारी बच्चियों माओ बहनों पे क्या गुजरी। और आखिरी बात ये करूंगी कि जब ये बच्चे जिनके वालदैन उनके हाथों में से रुखसत हो गए, उनसे वो अपनी राशन के लिए या किसी भी फंड के लिए क्या पहचान करवाएंगे, उनका कौन सा डॉक्यूमेंट उनके काम आएगा, उनकी कौन वजाहत करेगा कि इनके वालदैन इस दरिया की इस सैलाब के पानी की नजर हो गए। हुकूमत को इस पे भी पॉलिसी वाजिया करनी चाहिए कि वो, और खासतौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इदारे को इस वक्त बहुत ज्यादा हरकत में आने की जरूरत है कि वो ऐसे बच्चे जो लावारिस हैं जिनके प्यारे उनसे रुखसत हो गए और इस वक्त वो बेघर हैं उनको देखें, और सबसे बढ़ के इन बच्चों के साथ पढ़ाई से पहले काउंसलिंग की जरूरत है। पहले वो जो उनके खिलौने थे, जो उनकी सखियां थी, जो उनकी सहेलियां थी, जो उनके असासा जात थे, वो सब कुछ तो
उनसे दूर है, पहले उन बच्चों को, बच्चियों को खास तौर पे काउंसलिंग की जरूरत है। और आखिरी बात ये कहूंगी कि इन लोगों को जानवर दिए जाएं, इन लोगों को फंड के साथ अमली तौर पर चाहे एक कमरे का घर और एक वॉशरूम बना कर दिया जाए। एक 14 लाख में कुछ नहीं बनने लगा, जितनी बड़ी तादाद में तबाही हुई है मैडम, 14, 15, 20 लाख में क्या बनेगा। ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इस ग्रांट्स को प्रॉपर और उसका डेटा और ये सारी सूरत हाल को देखे। और सबसे ज्यादा पौधा की शुक्रगुजार हूं कि हर उस इशू पर हम जरूर बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान से हमारे दुख और सुख सांझे हैं। दुआ गो हूं कि पाकिस्तान में हमारे वो बच्चे, वो माएं, वो बहनें, वो बेटियां जो इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें जल्द से जल्द जो है वो हल फरमाए। आमीन। हेलो हेलो जी जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्वातीन के और बच्चियों के जो मसाइल हैं फ्लड के दौरान के, उनकी तहफ़ के मसाइल को खास तौर पे जो है वो उजागर किया। और हुकूमती इदारों को भी अपनी प्लानिंग को और जो इनकी दोबारा इन मुतासरीन की बहाली का जो अमल है उस पे बहुत एहतियात से और दिलजमी से काम करने के लिए अपनी तजावीज़ दी। आपकी शमूलियत का बेहद शुक्रिया। अली बेगम, आपके लिए सवाल आया है नौशहरों से, नौशीन सोमरू का फ्रॉम जैक बाबा जी। वो ये कह रही हैं कि इस वक्त जो बारिश की वजह से फ्लड सिचुएशन में जो आईडीपीज हैं वो स्कूल की इमारतों के अंदर काफी हद तक बैठे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे में वो अपने बच्चों की तालीम के लिए क्या करना चाहिए जो वहां के लोकल इदारे हैं उन्हें, क्योंकि स्कूलों की जो इमारत है वहां पे आईडीपीज को पनाह दी हुई है, वो वहां पे रह रहे हैं, तो इन हालात में क्या तजवीज है, क्या करना चाहिए लोगों को। सही बात है, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल जायज सवाल है। ये जो मरहला है ये रेस्क्यू का मरहला है, और इनिशियली तो गवर्नमेंट ने यही किया है कि लोगों की जान बचाई और उनको स्कूलों में या जहां कोई बिल्डिंग मिली वहां पे उनको महफूज मकामात तक पहुंचाया। ये एक अर्जी मुश्किल मरहला है, और इस दौरान में अल्लाह सलामत रखे बच्चे भी मौजूद हैं और उस्ताद भी होंगे। ये दो जो लोग हैं, उस्ताद और शागिर्द, चाहे उनके पास किताबें ना हो, चाहे उनके पास कलम दवात ना हो, लेकिन उस्ताद मौजूद है, शागिर्द मौजूद है, उनको एक जगह ऐसी चाहिए, चाहे वो खेमा ही क्यों ना हो, जहां पे वो सिर्फ खालिसतन वो बच्चे और उस्ताद हों। उनको बेशक वो जो रूडिमेंट्री एजुकेशन है, चाहे वो हरूफ हैं, चाहे वो गिनती है, चाहे वो जबानी पढ़ाई हो सकती है, तो कोशिश पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि एक ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करें जिस पर स्कूल का कतबा हो। ये स्कूल है, चाहे वो एक खेमा ही क्यों ना हो, बस उधर उस्ताद हो, उधर शागिर्द हो, और मुकर्रर टाइम पे वो वहां जमा हो, और पढ़ाई का वो रूडिमेंट्री बिल्कुल जो इब्तदाई जो कि लाजमी जुज है, जो बच्चे सीख सकते हैं उस एज ग्रुप के लिहाज से, उस्ताद की हाजिरी को लाजमी बनाया जाए। और बच्चों को थोड़ा बहुत इंसेंटिव, एक जमाना होता था कि स्कूल जाने वाले बच्चों को कुछ दे दिया जाता था,
तो इसी तरह से थोड़ा बहुत इंसेंटिव दिया जाए बच्चों को, वो बेशक खेमा हो, वो वहां पे जाएं, एक आइडेंटिफाई जगह पे इकट्ठे हो, और उस्ताद समझता है कि उनको कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए। तो इस वक्त तो यही सिचुएशन है, जो ही सैलाब का पानी उतरेगा और लाखों जो घर हैं उनकी सही असेसमेंट हो सकेगी कि आया ये घर दोबारा मरम्मत के काबिल है या नहीं है, और फिर वो गवर्नमेंट इंतजाम करेगी, उसमें टाइम लगेगा। आरजी तौर पर मेरी यही सजेशन है कि उस्ताद और शागिर्द को एक निशानशुदा आइडेंटिफाइड मकाम पे इकट्ठा किया जाए, एक खास मुकर्ररा दिन के मुकर्ररा कुछ घंटों के लिए, ताकि ये सिलसिला जारी रहे और बच्चों की तालीम टोटली मुनकता ना हो। मेरी ये सजेशन है। बेहद शुक्रिया अली बेगम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया मैडम। बहुत से लोगों के चैट बॉक्स में कमेंट्स आए हैं, मैविश मजीद कह रही हैं बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन था, इंफॉर्मेटिव था। शाजिया फिदा ने तमाम दही रहनुमा खवातीन को अस्सलाम वालेकुम भेजा है, ये गलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ इन्होंने बातचीत की है, और उसी तरीके से हमारे साथ पुष्पा कुमारी हैं हमारे साथ सिंध से, उन्होंने भी सेशन की तारीफ की है, ग्रेट स्पीकर, आपके लिए फीडबैक आ रहा है। और हेल्थ इश्यूज जो है इस वक्त फ्लड अफेक्टेड एरियाज के अंदर हेल्थ इश्यूज भी एक बिग फैक्टर है, इसको भी चैट बॉक्स में मोहम्मद अफजल ने हाईलाइट किया है, और इसी तरह से बहुत सी और मेरी बहनों के भी जस्ट उन्होंने अपने इंट्रोडक्शंस वगैरह भेजे हैं। एक जो नौशीन है उन्होंने एक और चीज जो लिखी है, नौशीन हम आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं, कि आप कह रही हैं कि रोड साइड के ऊपर जो है वो जब घर टूट गए हैं तो खवातीन टेंट में बैठी हुई हैं, रह रही हैं, सिर्फ उन तक बिरयानी पहुंचाना या खाने पहुंचाने से ही उनके मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे, लड़कियां और जो खवातीन हैं वो बिल्कुल रोड के ऊपर हैं, उनके लिए वॉशरूम का बंदोबस्त नहीं है, तो वो कैसे अपनी उन जो जरूरियात है उनको पूरा करेंगी, पानी साफ मुहैया नहीं है, तो एजुकेशन काफी दूर की बात है। लेकिन मैडम अली बेगम जो कह रही हैं कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर भी किसी ऐसी जगह पे मखसूस निशानदेही की भी जगह, एक टेंट जिसमें स्कूल या दरसगाह आप लिखते हैं, वहां पे कुछ वक्त के लिए आप सब लोग जो उन जगहों पे बैठे हुए, कुछ ना कुछ हर बंदा दूसरे को सिखा सकता है, वहां पे इकट्ठा होना और सीखने सिखाने का जो मरला है उसको जारी रखना बहुत जरूरी है, इससे काफी मसले जो है वो बेहतरी की तरफ भी आएंगे। सलमा मेमन ने भी कहा है, अच्छा सेशन है। पुष्पा कुमारी मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज के सेशन में, क्या आप भी सिंध के एरिए से कोई आपके पास ऐसी चीज है जो आप शेयर करना चाहती हो? जी बिल्कुल नाहिद, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने और खास तौर पे मैडम, आप जरूर बताइएगा आप किस जिला से हैं ताकि सबको पता चले, अपना तारुफ देते भी आगे चले। जी मेरा नाम पुष्पा कुमारी है, मेरा ताल्लुक तो थरपारकर से है, लेकिन मैं हैदराबाद बेस के कुछ कैंप्स जो है वो मैंने विजिट किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इतने अच्छे इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं, और खास तौर पे जो टेंट दिए गए हैं वो बहुत आबादी से बहुत दूर दिए गए हैं, और वहां तक जो है वो फैक्ट्रीज जो है वो पहुंचना, जो मुतासरीन है उनका पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे केएन शाह है, मटियारी है, उससे आगे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से जो अफेक्टिव हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ियों के लिए फ्यूल नहीं है और गाड़ियां उनके किराए बहुत महंगे हैं। तो यहाँ पे जो खवातीन कुछ टेंट्स में मौजूद थी उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले तो ये इशू है कि वॉशरूम्स जो हैं वो एक ही वॉशरूम होता है और वहां पे मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो ये हमें बहुत बड़ा एक मसला है वॉशरूम के लिए, क्योंकि खवातीन जो कुछ पर्देदार होती हैं या जो कुछ ऐसे इलाकों से आई होती हैं जैसे मुख्तलिफ जेगबाबाद और इस तरह के, जैसे मेरी बहन ने पहले बात की थी,
तो इस तरह के जो मसाइल हैं। दूसरा ये कि बच्चों के लिए जो है जो दूध है उसकी फरामी जो है वो बहुत नहीं है, इनफ नहीं है, तो बच्चे बहुत बीमार हैं और डायरिया के पेशेंट खवातीन जो हैं वो डायरिया की पेशेंट बहुत ज्यादा हैं। जैसे अभी मेरी बहन ने यही बात की थी कि बिरयानी सिर्फ देना बड़ी कोई इतना अच्छा मैं नहीं समझती कि ये इनफ है, क्योंकि फूड के लिए आपको जो है वीट, जैसे हमारे गांव में खाना एक हेल्दी खाना खाया जाता है, मक्खन दूध दही, तो इस तरह के जो चीजें हैं वो उनको नहीं फराम हो रही हैं, तो उनमें काफी एनेमिक, मैंने यहाँ कुछ प्रेग्नेंट औरतें जो काफी हैदराबाद के कैंप्स में रह रही थी वो एनेमिक पेशेंट थी और उनको बड़े ये मसाइल थे, और कुछ तो अर्ली प्रेगनेंसी के बाद जो इमेच्योर बेबीज भी, तीन अभी है ना परसों बेबीज हुए हैं, दो बच्चे और एक बच्ची जो इमेच्योर बेबी है 7 मंथ में, तो ये इस तरह के जो क्रिटिकल सिचुएशन है और हमें इससे मिलके हम जो रूरल वुमेन है वो लड़ सकती हैं, और इसके लिए कुछ गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन हमने भेजी हैं जिसके बाद ये हुआ है कि उन्होंने कुछ दूध और उसके पैकेट्स जो हैं उन बच्चों को फराहम किए हैं। तो मुझे लगता है कि खवातीन के जो खास तौर पर खवातीन से मुंसलिक जितने भी इश्यूज हैं, खास तौर पर जो कुछ औरतों ने ये कहा कि हम पैड्स वगैरह यूज नहीं करती हैं, हमारे गांव में पैड्स के कुछ उनको दिए गए तो उन्होंने ये कहा कि हम पैड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि जब आप टेंट्स में होते हैं तो वहाँ उस तरह घर जैसी सहूलतें मौजूद नहीं होती हैं, तो मुझे लगता है कि हम खवातीन को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और मिलके हमें कुछ ऐसा लायमल या रेजुलेशन या गवर्नमेंट को देना चाहिए कि आप जो है इस पे खास तौर पे तरजीह बुनियादों पे तवज्जो दी जाए। थैंक यू नाइदा। बहुत शुक्रिया पुष्पा कुमारी जी। मैं पुष्पा ने जो बातचीत की और इससे पहले भी इसको रिपीट हुआ कि लड़कियों के जो माहवारी के मसाइल हैं, जो उनकी जरूरियात हैं, उसको भी एड्रेस करने की हमें जरूरत है और उसे हमें देखना होगा फ्लड के इन हालात में भी, और उसके साथ साथ जो सेहत के मसाइल हैं, मुख्तलिफ हमारी बहनें जिन्होंने इस सेशन में कुछ ने बात की और कुछ जो है वो फील्ड में होने की वजह से बात नहीं कर सकी, लेकिन मेरे पास एक लिस्ट है जो इस वक्त डायरेक्ट हमारी बहनें जो फ्लड से मुतासर इलाके हैं वहां पे काम कर रही हैं, कोई हेल्थ कैंप लगा रही हैं, जैसे मैंने देखा गलगित बल्किस्तान से हमारी बहनें जो है मेरी माएं मेरी बहनों के नाम से उन्होंने सेविंग और डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं और उसमें खवातीन खासतौर पे जाके डोनेशंस डाल रही हैं, अपनी जो रकम है और उसके साथ जो लवाजमात हैं वो इकट्ठे कर रही हैं ताकि फ्लड अफेक्टेड लोगों तक पहुंचाए जा सकें। बुशरा तबस्सुम है जे कैसे जो कि सामान इकट्ठा करके रिलीफ के लिए पहुंचाने में बहुत आजाद जम्मू कश्मीर में बहुत पेश पेश नजर आई हमें। रुखसाना जहांगीर साहिबा हैं सवात से, वो मंगोरा और सवात के इलाकों में बहुत दिलजमी से घर घर जाके सामान इकट्ठा कर रही हैं और लोगों तक पहुंचा रही हैं। साजिदा हसरत साहिबा हैं हरिपुर से हमारे साथ, उनका बहुत ज्यादा जो है ग्रुप में जो वो रिलीफ के हवाले से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं वो नजर आई। गुलशन बीबी हैं जो हमारे किसी इस वेबिनार में शामिल नहीं हो सकी डेरा इस्माइल खान से, लेकिन वो टेंटों में जाके और मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपने घरों के अंदर उन्होंने लोगों को ठहराया हुआ है और उनकी जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रही है, उनकी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं और हमारे साथ भी मुसलसल रबते में है। सबा हकीम है हमारी यंग जो साइकोलॉजिस्ट हैं पंजाब से, वो काफी सामान इकट्ठा करके उन इलाकों तक पहुंचा रही है। उम्मे कलसूम सयाल है मुजफ्फरगढ़ से, रानी वहीदा साहिबा हैं, बिस्मिल्ला इरम है और मिस्तलत हैं सयालकोट से। एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास जो रिलीफ के वर्क में शामिल है, और आमना हबीब जैसी और अमरीन जमाली नसीराबाद डेरा बुगटी बलोचिस्तान से, और सायरा लाशारी हैं हमारे साथ, फरजाना मंजूर हैं, मारवी आवदा हैं, पुष्पा कुमारी हैं, और इसी तरह से जिनका नाम मैं अभी नहीं ले सकी खानजादी हैं थरपारकर से। बहुत अहम जो है वो सरगर्मियां आप सब लोग इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं, यकीन करें आप इबादत कर रहे हैं इस वक्त और हम सब आपके लिए दुआगो हैं। आपकी जो जो आप तजावीज देते हैं उसको भी पौधा की जो टीम है वो इंतहाई संजीदगी से ना सिर्फ खुद देखते हैं बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि मुतलका महकमों तक भी उनको पहुंचाएं ताकि आपकी जो जरूरियात है आपके इलाके की हम माओं की बहनों की तमाम इंसानों की उन जरूरियात को एड्रेस किया जा सके। आसिया आसिफ साहिबा ने जो सबसे बात की, मुझे लग रहा था कि वो बात नहीं कर पा रही क्योंकि दर्द उनके लहजे से रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो आप सब मेरी बहनें जो पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में अपना फर्ज समझते हुए अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं, वो लोग जो डायरेक्ट नहीं भी पहुंच पा रहे वो सामान इकट्ठा करने में
चंदा इकट्ठा करने में, दूसरों को मोटिवेट करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आप सब भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं आज की सारी गुफ्तगू को, जो हमने बच्चों की, बच्चियों के मसाइल की और सैलाब के अंदर मुतासरीन की बहाली का जो तस्करा किया, उनका मैं चाहूंगी कि जो पायदार तरक्की के अहदाफ हैं, खासतौर पर चूंकि हम लिटरेसी के साथ लिंक कर रहे थे, तो जो मयारी तालीम है पायदार तरक्की का हदफ नंबर 4, वो मुफ्त प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, उसका जो 4.1 है वो ये कह रहा है, और इसके 4 ये अहदाफ हैं। आप कहें कि सब टाइटल्स जिसमें अगर हम तालीम का जो सिलसिला है उसको बहाली के अमल के अंदर उसको सामने रखेंगे और उसको रुकने नहीं देंगे, तो हम ना सिर्फ पायदार तरक्की के हदफ नंबर 4 को हासिल करने में अपना हिस्सा डालेंगे, बल्कि पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल 25A है, जो ये इंश्योर करता है कि पाकिस्तान के अंदर हर बच्चा या बच्ची, उसका तल्लक किसी जात पात नस्ल रंग से हो, उसको 5 साल से 16 साल तक तालीम मुहैया करना हकूमत की जिम्मेदारी है। बेशक इस वक्त तो साथ वो नारा लगाना पड़ेगा कि बच्चों के तहफ्फुज़ और तालीम के जिम्मेदार वालदैन, माशरा और सरकार, हम तमाम लोग उसका हिस्सा हैं और हम सब लोगों को अपना मुश्तरका हिस्सा अदा करना होगा। आगे जो आज मैं खबरें सुन रही थी, तो हमारी एक मिनिस्टर साहिबा ये कह रही थी कि ये बहुत तबाही हुई है, जो शायद मुझे लगा कि आज उन्हें मालूम हुआ है, चूंकि हमारी जो आबादियां हैं वो दरियाओं के किनारों पे आबादियां थी। तो मुझे जैसे अली बेगम साहिबा बात करी, मुझे भी बेहद अफसोस हुआ कि इन दिनों में जब हमारे मिनिस्टर या हमारे हकूमती अरकान ये गुफ्तगू करते हैं कि दरियाओं के किनारों पे आबादियां रही, तो मेरा ये सवाल है आज के सेशन से कि क्या ये जब आबादियां हो रही थी तो हमारे जो महकमे हैं जिन्होंने उन आबादियों की मंजूरी देनी थी, क्या उस वक्त ये जो हम डिजास्टर मिटिगेशन प्लान की बात करते हैं, उन्हें ये नजर नहीं आया कि जिस वक्त भी तबाही आई तो कितनी मखलूके खुदा है इस जमीन पे रहने वाले, हमारे पाकिस्तान में बसने वाले जो इंसान है वो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठेंगे। तो उसको ये एक तो मुझे उनसे ये सवाल करना है कि नहीं, ये आपको कुछ बहुत अरसा पहले ये देखने की जरूरत थी, और ये मूनसून की भी ये बात बार इस बात को भी वो रिपीट कर रही थी कि मूनसून की बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं तो तबाही हुई है। तो बिस्मिल्लाह इरम वाली बात की ये तो बहुत दिन पहले से ये ऐलान हो रहे थे, तो वक्त पे इसकी तैयारी करनी चाहिए थी हमारे महकमों को, हकूमती इदारों को, और उसमें कमी रही है। हमें आइंदा के लिए देखना है कि हम जो जवाबदेही का आंसर है उसको मजबूत कर पाए पाकिस्तान के अंदर। और पायदार तरक्की का जो हदफ नंबर 11 है, पायदार शहर और आबादियां, वो किस चीज की निशानदेही कर रहा है, और 2030 में पाकिस्तान को और बाकी बहुत से ममालिक को भी इस पे जवाबदेही होनी है, तो उसमें जो इनके 11.5 जो कह रहे हैं कि कुदरती आफात के मनफी असरात को कम करें, तो इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। जो 11.1 कह रहे हैं कि मजबूत कौमी और इलाकाई तरक्की की मनसूबा बंदी किस तरह से होनी है, जो हमारे यहाँ ये हालात 10 सालों के बाद 12 सालों के बाद किसी न किसी तरीके से हमारी जो मखलूक है वो इसी तरीके से तबाह हो रही है। 11.2 कहता है कि शमूलियत, वसाइल की अफादियत और आफात के खतरे में कमी के लिए पॉलिसियां नाफज करें, तो हम पर जोर मुतालबा करते हैं कि उन पॉलिसियों को बनाया जाए और उन पे अमल किया जाए। 11.7 कहता है कि महफूज और जामिया, सबज और अवामी जगहों तक रसाई फराहम की जाए। जब हम वक्त पे अपनी प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क का जो एक खूबसूरत लैंडस्केप है, जो इस वक्त बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, वो सब्जा, वो अवामी जगह, वो इंसानों की रहने की जगह तमाम तबाह हो गई है, तो इन सब पे जवाबदेह होने के लिए हमें मूव होना होगा। और इसके साथ ही अगली मैं बोलूंगी नहीं, मुझे आवाज आ रही है साथ से किसी स्पीकर की, 16 जो हमारा पायदार तरक्की का हदफ है, अमन, इंसाफ और मजबूत इदारे, इसके ये 4 कंपोनेंट आपके सामने है, इस पे जरूर नजर डालिए। इन सब पे पाकिस्तान की ना सिर्फ हुकूमत बल्कि तमाम जो हम कहते हैं गली देहात मकामी हकूमती निजाम के जो नुमाइंदगान है, उन सब की भी शमूलियत होगी तो ये महफूज रह सकेगा। यानी हर जगह से तशद्दुद को कम करें, बच्चों को बदसलूकी, इस्तेहसाल, स्मगलिंग और तशद्दुद से बचाएं, जवाब दे जामे और नुमाइंदा फैसला साजी को यकीनी बनाएं, मालूमात तक रसाई
आवाम की रसाई को यकीनी बनाएं और बुनियादी आजादियों की हिफाजत करें, इसको हमें और आप सबको मिलके देखना होगा किस तरफ हम कितने चल रहे हैं। जी मुझे आवाज आ रही थी, कौन बात करना चाह रहे हैं, प्लीज बात कीजिए। जी कौन बात करना चाह रही थी, रानी वहीदा थी। रानी क्या आप हमारे साथ हैं, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए, क्योंकि मुझे हैंड रेज किसी का नजर नहीं आ रहा। आमना हबीब जी आप क्या बात करना चाहती हैं, आमना प्लीज बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आमना हबीब नसीराबाद बलोचिस्तान से और डेरा बुक्की दोनों इजला पे मेरी एनजीओ काम करती है, मतलब मुख्तलिफ और इजला पे भी मैं काम करती हूँ। मैं ये बात करना चाहती थी कि जैसे नसीराबाद में सैलाब आया हुआ है, कुछ दिन पहले मैं विजिट पे गई थी तो मैंने देखा कुछ लोग रोड पे बैठे हुए थे, मतलब काफी घर थे जो रोड पे बैठे हुए थे। तो मैंने उन खवातीन से बात की, जब मिली उनके साथ तो मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ जो बैठे हैं आप लोगों के लिए क्या मसाइल है इतने। तो लोगों ने कहा कि हमारे पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, हम जो है यही ठहरा हुआ पानी है जो इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास वॉशरूम नहीं है, पर्दे लगाए हुए हैं हम लोगों ने जो वॉशरूम के लिए, वहां पे हम लोग जाते हैं जब वॉशरूम के लिए जाते हैं तो एक और फीमेल हमारे साथ होती है, वहां पे ठहरती है और एक फीमेल अंदर जाती है ताकि कोई और ऐसे अंदर ना सके। और एक और इशू ये भी था, आमना अगर आप हमारे साथ रही हो तो जिन दो मसाइल का आप तस्करा कर रही हैं ये पहले भी इन लिस्ट हो चुके हैं, अगर कोई नया मसला है तो प्लीज वो हमें बताइए, क्योंकि ये दोनों मसले आपने मीटिंग ग्रुप में भी शेयर किए हुए थे और अभी आपसे पहले इन दोनों पे बात हो चुकी है। जी एक और मौजू ये था कि मैंने टॉपिक एक और भी मेरे पास है, नसीराबाद में जो है अभी तक ऐसे स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल है जो वो भी नहीं खुले और जो सरकारी स्कूल है वो भी नहीं खुले अभी तक, वहां पे कैंपे है ना, और बारिश जो ज्यादा हो गई है पानी की वजह से बहुत ज्यादा गंदगी हुई है, मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से बच्चों को मलेरिया बुखार ज्यादा हो रहा है, और इतना टेम्परेचर रहता है कि तकरीबन 103-104 तक ना, और ऐसी कोई मतलब मेडिकल कैंप नहीं है जो इमरजेंसी में के बच्चे लेकर जाएं और अपने बच्चों को वहां पे ट्रीटमेंट करवाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट पहले भी थी आप लोगों के पिछली मीटिंग में भी की थी मैंने और अभी भी करूंगी कि ऐसी कोई कैंप दी जाए जो बच्चों को जल्दी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दी जाए ताकि बच्चे बुखार की वजह से अपनी जान ना कर पाए, मतलब मर ना जाए, फोट ना हो जाए। और एक कुछ दिन एक और केस भी था, दो बच्चे थे, एक दोनों बहन भाई थे, बहन 9 साल की थी और भाई 8 साल का, तो ये पानी की वजह से पानी में वो बच्चा गिर गया, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है ना वहाँ पे, इतना ज्यादा है कि अगर कोई भी गिर जाए तो अच्छा खासा डूब जाएगा। वो बच्चा खेलता खेलता गया पानी के अंदर, जैसे पानी के अंदर गया तो वो वहाँ पे गोतियां लगाने लगा, तो बहन ने कोशिश की कि मैं अपने बच्चे भाई को जो है ना बचाऊं, जैसे ही उसने भी पानी में छलांग लगाई तो वो भी वहीं पे डुबके लगा के मतलब फोत हो गई, दोनों बहन भाइयों की बाद में लाश निकाली गई। तो एक और भी केस है जो पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लड़की जो कराची में दो बहनें पढ़ती थी डेरा बुक्की में, अमना मैं वही बात कर रही हूँ कि प्लीज रिपीट ना कीजिए, आप ये पिछली उसमें बात हो चुकी है, अल्लाह ताला उन बच्चों की मगफरत फरमाए। हमें ये देखना है कि इस वक्त जब बहाली का सिलसिला या वो रेस्क्यू कर चुके हैं तो उसके बाद उनके क्या मसाइल हैं, उस पर मेरा ख्याल में आपने बात कर ली है। तो इसमें ये बात मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अभी तक उस दूसरी लड़की की जो है ना डेड बॉडी नहीं मिली, अभी तक इंतजामिया ने कुछ ऐसा नहीं किया कि उस बच्ची की डेड बॉडी को ढूंढ पाए ना, इस वजह से मैंने किया कि मैंने कहा हो सकता है शायद हमारी मदद से ही उन लोगों को कोई ऐसी मशीनरी मिल जाए जिससे वो बच्ची की डेड बॉडी मिल जाए, क्योंकि अभी महीना पूरा हो चुका है उसको।
इसलिए मैंने ये बात फिर से शेयर की है। बहुत शुक्रिया आमना, बहुत शुक्रिया, बहुत तकलीफ दे सुनो ताला। अपना माइक खोलेंगी रानी वहीदा, आपका माइक बंद है, उसको अनम्यूट करें और फिर बात कीजिए। हेलो, अब आ रही जी जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को। मैं सबसे पहले तो आमना को ये कहना चाहूंगी कि बेटा तसल्ली करो, एक मंथ से आपको पता है ना सैलाबी रेले कितनी तेजी से बहते रहे हैं, जहाँ एक मंथ हो गया उस बच्चे को मकसद पानी में गया, अब आप कहाँ ढूंढेंगी, पानी तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। और बाकी मैं तमाम बहनों से नहीं था, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि मैं अगर घर में, घर से मुराद है ऑफिस में बैठी हूँ, कैंप में बैठी हूँ, क्योंकि हमने भी रिलीफ कैंप लगाया हुआ है, वहां बैठे भी मेरा सबके साथ रबते हो रहे। आज भी मैंने चादर लूट और तौसा की तरफ मकसद सामान भेजा खाने पीने का, परसों तीन तीन हुए हैं जो पहले सामान भेजा और जो रास्ते में सामान के साथ पूरा ट्रक लोड था जिसमें खवातीन की ही तमाम चीजें ज्यादातर थी और राशन वगैरह था। मैं वही बात उम्मे कुलसुम वाली दोहराऊंगी नहीं कि हमने फिर गवर्नमेंट को कहा, पुलिस को कहा और उनको अब रिक्वेस्ट किया कि जो सामान आ रहे हैं हम आपको आगाह करेंगे, आप उन्हें बाहिफाजत उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को सहूलत है। जहां जहां मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे जिन जिन शहरों में कैंप लगा के बैठे हैं या कैंप वालों की हिफाजत कर रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि आप अब खाने पीने का सामान ना भेजें कि लोग खुदा गवाह के कमरे भर के अब तो बेचने को हो रहे हैं, क्योंकि रास्ते में लोग लूट रहे हैं ना। बाकी रह गया कि हमें उन बहनों की, उन बच्चियों की हिफाजत का, यार अगर सामान बेचते हैं तो ये जो सरकारी मकसद गुंडे बने हुए हैं ये आगे लूट लेते हैं। बहरहाल पुलिस वालों ने कहा कि हम तावन करेंगे। बाकी मैं अपनी बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि देखें फ्लड आया है और बहुत ज्यादा तूफान और तबाही लाया है, हमें वो घरों वाली सहूलत नहीं मिलनी। अगर ये कहती हैं कि हमारे टेंट या हमारे कैंप बिल्कुल रोड के किनारे हैं या बिल्कुल सामने हैं, इतनी तो इनके मर्द भी यार कर सकते हैं कि वो कैंप या वो टेंट थोड़ा सा साइड पे लगा के आगे पर्दा कर दें। ये वक्त वो मुश्किल वक्त है जो गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, अमला हर जगह नहीं पहुंच सकता, तंजीमें हर जगह नहीं पहुंच सकती। हमें अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ करना होगा। जैसे मैं उस दिन अब राजनपुर में गई थी, यकीन करें मैंने वहां इनको शेरवानी साहब को भी और इनको भी सबको मैं मर्दों को बना के देख के आई थी कि इन्हें कहें ये ऐसी सस्ती लैटरिनें बना लें जो चारों तरफ प्लास्टिक की शीटें लगती हैं और चार कोनों में बांस लगते हैं, वो आगे दरवाजा भी बन जाता है, वो ऐसी जगहों पे लगाएं जहां खवातीन का बिल्कुल अलग से सिस्टम रखें, मेल का अलग रखें, ताकि इनको आपस में कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो। तो हम अगर ये छोटी छोटी चीजों का खुद भी ख्याल करेंगे, नहीं तो इस मौसम में या इस हवाले से किसी औरत को सही तरीके की खुराक नहीं मिलेगी। हमें अल्लाह तवक्कल भी करनी है और इन पे गुजारा भी करना है। इस वजह से मेरी तमाम बहनों से, तमाम बच्चियों से रिक्वेस्ट है कि बेटा यही मौका है तुम्हें बहादुर बनने का, यही मौका है अपना दिफा करने का और यही मौका है, इन्हीं मौकों के लिए हम अपनी बच्चियों को कहते हैं कि बेटा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग भी ले लो, अपने आप को बहादुर भी समझो, आप किसी से काम नहीं हो, औरत मर्दों से काम नहीं है, अब आपने बहादुर बनना है कि इससे ज्यादा बुरे हालात हमारे मुल्क में नहीं हो सकते। तो हमें अपना दिफा खुद करना है, अपनी हिफाजत खुद करनी है। फौज हमारी बहुत काम कर रही है, पुलिस हमारी बहुत काम कर रही है, लेकिन हमें खुद को भी अपने आप को स्टेब्लिश करना है। मकान बनते अभी वक्त लगेगा थोड़ा, क्योंकि मर्दमशुमारी भी कर रहे हैं, मकसद खानदानों की वो भी कर रहे हैं, तो इस हवाले से हमें थोड़ा तहमल और बर्दाश्त से भी काम लेना होगा और खुद से जाकर हमारे मर्दों या औरतें वो जाकर खेमों में बताएं हमारी इतनी फैमिली है और हमें इस तरीके से इतनी खुराक की जरूरत है। खुराक का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो चीजें आ रही हैं इनको तकसीम करते वक्त आप माँ से नहीदा कभी देखें ना तो आप कानों को हाथ लगा के भाग जाएं। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान इनको मंगवा के ट्रकों के ट्रक बंदा भिजवा रहा है, लेकिन आगे ये लोग, मैंने बीच में तस्वीरें भी शेयर की थी, मेरे अपने दामाद मकसद यहाँ लेके आए हैं इतना सामान लाहौर से, मेरी दोनों नवासियों के खावंद और उनके भाई। आप यकीन नहीं करें कि मैं भी यहाँ बैठी रो रही थी कि वो बच्चे रोने जैसे हो रहे थे कि देखिए हमने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए और ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो हमें इन लोगों को भी तहमल की हिदायत देनी है, बर्दाश्त की हिदायत देनी है। हर जगह गवर्नमेंट नहीं पहुंचेगी,
हमें अपनी मदद आपके तहत चलना है, और इंशाल्लाह एक दिन देखना होगा कि हम सबको आबाद कर चुके होंगे, सब होंगे, लेकिन हिम्मत दोनों तरफ से होनी चाहिए इंशाल्लाह। हिम्मत दोनों तरफ से करेंगे तो होगा। अभी आज भी मेरा बेटा शादम लुंड और इधर लेके मकसद दोनों बच्चे मेरे गए हुए हैं, क्योंकि वहां जरा हालात ज्यादा खराब हो गए थे। और फिर मैंने उसे भी यही कहा आसिफ को, मैंने कहा आसिफ इधर उधर देखना, जहाँ खवातीन के कैंप हो उन्हें जाके ये लेटरिन बनाना भी बेटा सिखाना, और बना लेना तस्वीरें, उनसे पूछ लेना कि अगर तस्वीरें बनाने दें तो आप बना लो, वरना ना बनाना तस्वीरें राशन देते हुए, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। तो यार बहुत सारा पाकिस्तान लगा हुआ है, बहुत शुक्रिया नाइदा, अल्लाह ताला इनको भी शहादाबाद करे, इनको हिम्मत दे, इनको इस्तकामत बख्शे, अल्लाह हौसले बुलंद इनके करे, ताकि ये इस बहरान से बड़े बहसनों को भी निकल आए, और अपनी मदद आप करें ये लोग, हम भी साथ हैं इनके, हम कदम कदम साथ हैं इन सबके। बेहद शुक्रिया रानी वहीदा साहिबा, आप कोट अद्दू से हैं, मदनी वेल वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। जी, बहुत मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अली बेगम जैसी जीरक खातून ने इसका आगाज किया, और इसका इख्तिताम रानी वहीदा साहिबा ने किया। यकीनन जो इलम है, जो तजर्बा है, उसकी जो झलक है, वो हर लफ्ज से नजर आती है, उसको सुनने से आपको समझ आती है, यकीनन हमें हौसला मिलता है, और जो हौसले के साथ मुश्किलों का सामना करना है उसकी तरफ भी आप हमें रहनुमाई करती हैं हमेशा से ही। मैं आखिरी मराइल में सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि आप सबकी इतनी भरपूर शमूलियत का बेहद शुक्रिया। कल 8 सितंबर है और इंटरनेशनल लिटरेसी डे है। जो गुफ्तगू अली बेगम साहिबा ने की, और जो हम इस सेशन में भी कह चुके हैं कि हमने 25A की बात करनी है, जो आर्टिकल पाकिस्तान के आइन के अंदर मेंशन है कि स्टेट की जिम्मेदारी है तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को, 5 से 17 साल के तमाम बच्चों को तालीम का बुनियादी हक फराहम करना। और इस साल का जो थीम है वो ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, कि हमें सीखने के लिए जो जगह है उनको बनाना है, उनकी नई शक्ल देनी है उनको, और उसके साथ जो उसके मुमकिन जो इम्कानात हैं और जो पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ रही हैं, उस पे हमें बातचीत करने की जरूरत है। हम खेमों में रह के वो काम कर सकते हैं। हमारा सीखने का मरला जो भी बंदा हमसे मिलता है, जैसे पौधा की एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है कि पौधा जिस काम में भी खवातीन को और मर्दों को एंगेज करता है, उनको लिखना और पढ़ने की जो बुनियादी लिटरेसी है वो सिखाता है। ये आज आपके सामने जो कुछ पिक्चर्स हैं ये उन्हीं के, जिसमें आप देख रहे हैं कि फार्म पे काम करने वाले बुजुर्ग नौजवान खवातीन और मर्द सारे जो है वो लिटरेसी की क्लासेस ले रहे हैं, और ये पौधा की तरफ से एक रेगुलर प्रोसेस है। हमारे कम्युनिटी जिसमें भी काम करते हैं वहाँ लिखने पढ़ने का जो बुनियादी काम है वो लिटरेसी हम सिखाते जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि कम अज कम अपना नाम लिखना, अंगूठे की बजाय दस्तखत करके अपना बैंक अकाउंट खुलवाना, ये बुनियादी जो सलाहियतें हैं हमारे साथ मुंसलिक तमाम लोगों तक मिल पाए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अली बेगम आपके भरपूर टाइम का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफिज़। थैंक यू मैडम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ एवरीवन, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।